हेलो फ्रेंड्स, कॉर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ एग करी। ये मैंने कुकर में ऑयल ले लिया है, एक करछी, और इसको मैं इसको हीट करूँगी। साथ में मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। जैसे मेरा ऑयल गर्म होता है, मैं इसमें हींग डालूँगी। हींग ज़रूर डालना है इस सब्ज़ी में, क्योंकि एग जो होते हैं कई बार गैस करते हैं। साथ में मैंने इसमें दो मोटी इलायची, बड़ी वाली काली इलायची, और दो हरी इलायची डालनी है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 तेज़पत्ते और साथ में जीरा। ये खड़े मसाले ग्रेवी वाली सब्ज़ी में डालने इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि इनका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। सब्ज़ी का टेस्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही ये हल्के से अपना फ्लेवर छोड़ते हैं ऑयल में, इसमें मैं डाल दूंगी। मैंने यहाँ प्याज को कद्दूकस करके रखा हुआ है, और साथ में मैंने इसमें एक बड़ी गांठ लहसुन की और एक बड़ी पीस जो है वो अदरक का लिया है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, प्याज जो है वो मिक्सी में पानी डाल के या बारीक नहीं पीसना है, नहीं तो बहुत ऑयल खाएगा और मसाला भी कच्चा रहेगा और बहुत टाइम लगेगा। ये 5 से 10 मिनट में तैयार होने वाली सब्जियां हैं। आप मसाले को थोड़ा सा, प्याज को मोटा रखेंगे, वो जल्दी भुन भी जाएगा, कच्चापन उसका जल्दी ख़त्म होगा, गल तो वो बाद में भी जाएगा। आप मसाला और ऑयल भी कम लगेगा। अब जैसे ही मेरा प्याज जो है वो भुनता है, जैसे ही ब्राउन होता है, मैं उसमें डाल दूंगी साथ में कसूरी मेथी, उसको भी मैं साथ में मिक्स करके भूनूंगी। ये कुछ स्पेशल मसाले हैं जो किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी को बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। आप मैं जैसे ही मेरे मसाले का कलर जो है वो चेंज होगा प्याज का, उसमें मैंने डाल दिया 1 बड़ा चम्मच हल्दी का। मैं हल्दी को भी भूनूंगी, हल्दी का कच्चापन निकल जाए, और साथ में मैं थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर दूंगी। जैसे ही अपना ऑयल छोड़ती है, साथ में मैं इसमें मिक्स कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और 1 देगी मिर्च। मिर्च आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कुटी मिर्च हो या जो भी। अब मैंने साथ में इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर दिया है सॉल्ट। ये मेरा मसाला ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसमें मैं पिसे हुए टमाटर डालूंगी। टमाटर आप बारीक पीसे, मोटे पीसे, वो आपकी चॉइस है, पर प्याज को मोटा मोटा ही पीसना है। अब मैं इसको मसाले को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और टमाटर को मसाले को थोड़ा भुनने दूंगी। जैसे ही टमाटर का मसाला भुन के तैयार होता है, ये अपना ऑयल, जैसे ही ऑयल छोड़ेगा अलग होगा, दिखाई देगा, इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो भुन गया है। देखिए, मैं मसाला जैसे ही हमारा तैयार होता है, इसको हिलाते रहिए, ये नीचे लगे ना, पर मसाला भुनना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज जो एग करी बना रही हूँ, वो खाली एग की नहीं बनाऊँगी, मैं इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करूँगी, वो ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो कीजिए। मैं इसके अंदर मोटे हाफ हाफ करके आलू डालूँगी, 4 से 5 आलू। आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर आप आलू डाल के बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। देखिए, मैंने इसके अंदर आलू मिक्स कर दिया। मैं इसके अंदर कुछ एक कटोरी जो है वो ग्रीन पीस भी डालूँगी, हरे मटर। आप हरे मटर सफल के भी डाल सकते हैं, आप मौसम के हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे ही आलू मेरे थोड़े भुन जाते हैं, इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपने मटर। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप खाली मसाले में बनाना चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं, पर मैं इसके अंदर आज जो स्पेशल वो यही है कि इसके अंदर मैं मटर और आलू डाल के बनाऊँगी, और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि मसाला मेरा भुन चुका है, 2 विसल लगाऊंगी, जिससे मेरे आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाए। देखिए, मैंने एग उबाल लिए हैं, आप ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। मैंने एग को उबाल के उसके अंदर फोक से मैं छेद कर रही हूँ। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर मैं इनको ब्राउन करके ही डालूंगी, उससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा और स्वाद भी बहुत आएगा। अब मैं इनको एग के ऊपर छेद करके, इसके अंदर मैंने हल्दी और नमक इसके ऊपर डालकर उनको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको पैन में डालूंगी। फ्रेंड्स, छेद करना एग के अंदर फोक से बहुत ज़रूरी है, फोक या नाइफ से, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इनको तलने की कोशिश करेंगे तो ये फूटेंगे और छीट से हो सकते हैं आप जल जाएं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मैं जैसे ही इसकी ऊपर की लेयर ब्राउन होती है, ये देखिए अंडे बहुत सुंदर ब्राउन हो गए हैं, और मैं इसको जैसे ही चारों तरफ से ब्राउन होते हैं, इसको इधर दूसरी साइड मेरी जो विसल मैंने लगाई थी, 2 आलू मेरे गल गए हैं।
मैं इसके अंदर जो मैंने एग ब्राउन किए तो मिक्स करें। फ्रेंड्स विसल मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैंने आलू डाला। अगर आप इसमें आलू या कोई सब्जी नहीं डाल रहे हैं, मसाला ऑलमोस्ट डन था, आप विसल लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया है, उसको मिक्स करूँगी। ये मेरी सब्जी ऑलमोस्ट बन के तैयार है, थोड़ा सा इसमें उबाला आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये एग करी आलू और मटर के साथ बना के ज़रूर देखिएगा एक बार, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको राइस के साथ, चपाती के साथ, जैसे आप सर्व करना चाहें कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।